ये आप देख रहे होंगे गाइस, ये है हैंगिंग ब्रिज और इसको इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है कि इसमें से जो भी वहाँ निकलता है उस टाइम ये झूलता हुआ महसूस होता, हिलता है, तो इसको इसलिए ही हैंगिंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये झूलता हुआ ब्रिज भी कहा जाता है। और ये बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिकली इसको बनाया हुआ है और ये राजस्थान के कोटा स्मार्ट सिटी शहर में स्थित है। और यहाँ से आप जाओ झालावाड़ रोड जाओ तो उसमें भी आपको मिलेगा, और यदि कोटा से बाईपास होते हुए जयपुर रोड पर जाएंगे तो उस टाइम भी आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, नाइस है, आप भी यहाँ आओ तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो। मगर यहाँ पर आपको बीचों बीच जहाँ पर इसका प्रेसर्स होता है वहाँ पर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए साफ मना किया जाता है। यहाँ पर गार्ड लगे हुए होते हैं, वो यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए मना करते हैं, इसलिए आप यहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं रुके। और इसके स्टार्टिंग छोर पे और इसके एंड छोर पे ही गाड़ी को खड़ी करके आप फोटो ले सकते हो। यहाँ से इसका पूरा व्यू आएगा, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है, नज़ारा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूरी ऑफिशियल टूरिज्म, आप सभी का वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू व्लॉग और आपको लेकर चल रहे कोटा शहर। कोटा शहर में आप शिव मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूं आपको, गेपरनाथ जी जो शिव टेंपल है ये कहां स्थित है, ये राउत भाटा रोड पर और चित्तौड़ वाला जो रूट आता है उसी रूट पर यह स्थित है। यहाँ पर एक शिव राउतबाटा रोड पर शिव ज्योति को ले जाती हैं, उससे 500 मीटर आगे राइट साइड के अंदर स्थित है और यहाँ पर कोई भी चार्जेबल नहीं है। टाइमिंग यहाँ का 9 बजे से शाम को 5 बजे तक है और यहाँ पर एक आधार कार्ड जरूर लेकर आए, यहाँ पर आपकी ID चेक होती है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और आपको गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन से 29 किलोमीटर दूर है और आपके बस स्टैंड से ये 24 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर फ्लाइट की व्यवस्था कोटा में नहीं है। तो आप दूर से आ रहे हो इंडिया से तो आप सांगानेर फ्लाइट से आ सकते हो। सांगानेर से 204 किलोमीटर यहाँ पड़ता है बाबा के यहाँ पर, और इस ब्लॉग को बने रहे और इस पूरे ब्लॉग को वॉच करें तो मुझे सपोर्ट प्रदान करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड जय भोलेनाथ। इस ब्लॉग में पूरा अपने जो यूट्यूब फैमिली मेंबर उनके लिए सबसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे, अच्छी वीडियो देने का प्रयास करेंगे उनको। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट प्रदान करें। जय हो भोलेनाथ जी की जय। जय हो भोलेनाथ जी की जय। और हमने 24 किलोमीटर का सफ़र तय करके बस स्टैंड से और हम पहुँच गए हैं भोलेनाथ जी के। अब भोलेनाथ जी के यहाँ से मेन रोड से यहाँ से कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है, से तो यहाँ पर ऑफिस दिखाई दे रहा होगा और यहाँ लिखा भी है गेपरनाथ। और यहाँ पर आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो, यहाँ पर अंदर चलेंगे यहाँ पर प्रसाद वाले भी हैं, बाबा के लिए प्रसाद लेकर जा सकते हो। और यहाँ पर जो ऑफिस है जी, ये यहाँ पर लगा रखा है कि स्टॉपिंग लगा रखा है और यहाँ ऑफिस बना रखा है। इस ऑफिस के अंदर आधार कार्ड या कोई भी एक ID बताकर यहाँ से एंट्रिंग दी जाती है, तो आप अपना ID साथ लेकर आए। हम यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे, यहां पर स्टॉपेज लगा दिया है, गाड़ी अंदर नहीं जाने देते हैं। हमारे और मजा आएगा यहां के लोगों घूमते घूमते, हम वहां पूछेंगे बाबा के। पर आज हमारे को बाबा ने बुला लिया, पहले भी पिछली बार आया था और प्लान बनाया था मगर वो प्लान नहीं है क्योंकि बाबा की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। आज प्लान नहीं था तो भी उसने बुलावा दे दिया तो बाबा के जाना पड़ेगा और हम आए हैं। जय हो।
और यह शिव टेंपल जो है गेपरनाथ जी, ये राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह रेशमीय टेंपल है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर जो शिव का जो अभिषेक होता है पिंड का, वो झरने के द्वारा होता है। सीधा जो झरना होता है, पहाड़ों से आता झरना सीधा शिव जी के पिंड पे गिरता है और वहाँ पर जल अभिषेक होता है। आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा। अब हम पूछ चुके हैं 1.5 किलोमीटर का सफर करके शिव टेम्पल गेपरनाथ महादेव जी के, और यहाँ पर बाहर हम तीनों आज गेपरनाथ जी हैं और हनुमान जी हैं, उनके भी टेम्पल है, बाबा के दर्शन करवाते हैं। और गेपरनाथ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं है, तो आपके साथ कुछ खाने का लेकर आए आप। और गाइस, अब आप भगवान जी के दर्शन करिए, और यहाँ से स्टार्टिंग होता है आपके भगवान जी के दर्शन। यहाँ से आपको 300 सीढ़ियाँ उतर के भगवान जी के दर्शन के लिए आपको जाना होगा। और आप चलते हैं सुनील जी, आराम, चलो आराम। और गाइस, यहाँ आप आओ तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर खूब सारे बंदर हैं, मंकी हैं, तो ये मंकियों की फौज है, तो ये आप ही लोगों का वेट करते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ खाने के लेकर आएंगे। तो हमारा फर्स्ट बार था, हम कुछ लेकर नहीं पता नहीं था, तो हम नेक्स्ट बार आएंगे, हम खुद ही इनके लिए खाने के लेकर आएंगे। आप मेरे वीडियो को जो भी कुछ कर रहा है बंदरों के लिए, मक्खी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आओ खाने के लिए, केले है कुछ भी है, ये आप लोगों का वेट कर। ये बेचारे मासूम जीव है, ये किसी को कुछ नहीं कहते जब तक इनके छेड़खानी नहीं करते। ये है बात। पूछ के ध्यान रहा तो पूछ। ये पूरी वनर से ना आवे तू में जाएगी। अब खत्म हो गया मामला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि यार अरे
का ध्यान रखना, फिसलन हो सकती है। हमने फाइनली 350 सीढ़ियों के लगभग हमने तय करके और बाबा के टेम्पल में पूछ लिए हैं और अब बाबा का आशीर्वाद थोड़ा ऊपर प्राप्त करेंगे। जय हो बाबा केदारनाथ की। यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आओ तो बाबा के यहाँ पर जैसे पूछते हैं 100 मीटर या 50 मीटर पहले यहाँ पर पानी के फवारे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर झरने हैं, यहाँ पर झरनों के पानी की वजह से फिसलन बहुत है। आप सेफ्टी से बच्चे आप आओ, बिल्कुल सेफ्टी से। ये नहीं कि बाबा के दर्शन करने और आपके साथ कोई हादसा हो जाए।